हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी दोस्तों जे ओ आई का जो एग्ज़ाम होना है पोस्ट कोड आठ का उसके लिए हमने स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है इस सीरीज़ में हम लगभग 500 से 700 कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि डिफरेंट हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं आज जो है इस सीरीज़ का हम फिफ्थ वीडियो देखेंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है वहाँ जो है प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है फाइल्स क्रिएटेड विद लोटस वन टू एन एक्सटेंशन लोटस वन टू थ्री द्वारा निर्मित फाइल का एक्सटेंशन है सबसे पहला तो लोटस वन टू थ्री क्या है लोटस वन टू थ्री जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है लोटस सॉफ्टवेयर में उसमें हम जो फाइल्स क्रिएट करते हैं उसका जो एक्सटेंशन रहता है वो रहता है डॉट वन टू थ्री यानी कि ऑप्शन सी और वर्कशीट इन एम एस कैन बी ओपन बाई क्लिकिंग ऑन द एम एस में वर्कशीट को ओपन किया जा सकता है इस पर क्लिक करके एम एस में वर्कशीट ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू में ओपन बटन पर क्लिक करें यू कैन प्रिंट इन एक्सल आप एक्सेल में प्रिंट कर सकते हैं सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज यानी कि कमेंट्स वर्कशीट अरेंज ऑफ सेल्स बाई रेंज नेम बाई विच मेन्यू इन एक्सल यू कैन अनग्रुप द डाटा एक्सल में किस मेनू द्वारा आप डाटा अवर्गीकृत कर सकते हैं सेंस रहेगा डाटा मेन्यू सबसे पहले तो रोज एंड कॉलम को सेलेक्ट करना होता है जिनको आपको अनग्रुप करना है उसके बाद डाटा टैब में अनग्रुप कमांड पर क्लिक करें नेक्स्ट है विच एक्सेल फीचर एनेबल्स डिफाइंड लेआउट्स टू सेलेक्टेड टेबल्स इन द वर्कशीट कौन सा एक्सेल फीचर वर्कशीट में टेबल चयन करने चयन के लिए पूर्व परिभाषित लेआउट प्रदान करता है कौन सा फीचर फॉर्मेट फीचर यानी कि ऑप्शन ए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफ्रेंसेज आर एवेलेबल इन एम एस एक्सएल एम एस एक्सएल में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस उपलब्ध रहते हैं तीन प्रकार के सेल रेफ्रेंसेज एवेलेबल रहते हैं कौन कौन से रिलेटिव एब्सल्यूट एंड मिक्सड साइंसर है ऑप्शन बी द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग टू सेल्स इंटू सिंगल सेल इन एक्सल इज रेफर टू एज एक्सएल में दो सेलों को एक सेल में जोड़ने का ऑपरेशन कहलाता है मर्ज सेल इन एक्सएल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन एक्सएल में किस ऑप्शन का प्रयोग करके चार्ट तैयार किए जाते हैं सेंस रहेगा ऑप्शन बी चार्ट चार्टिड स्लाइड इज ऑफ फीचर ऑफ स्लाइड किसका फीचर है स्लाइड फीचर रहता है एमएस पावर पॉइंट का नेक्स्ट है राइट क्लिकिंग समथिंग इन पावर पॉइंट ओपन शॉर्टकट मेनू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट यानी कि पावर पॉइंट में कई बार राइट right क्लिक से जो है ऑब्जेक्ट के सूचन के लिए शॉर्टकट मेनू खोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अलाइन इज अबसेंट इन द फॉर्मेट टूल बार इन पावर पॉइंट पावर पॉइंट में टूल बार में अलाइन के लिए निम्न में से कौन सा बटन अनुपस्थित रहता है अलाइन के लिए जो है फॉर्मेट टूल बार में ये तीनों बटन अवेलेबल रहते हैं लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन और सेंटर तो इनमें जो है नन ऑफ दीज सही आंसर रहेगा द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इज़ टू यूज द प्रजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए उत्तम तरीका किसका इस्तेमाल किया जाता है सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी स्लाइड शॉर्टर व्यू स्लाइड शॉर्टर व्यू से जो है जो डिफरेंट स्लाइड होती है आपकी वो शॉर्ट व्यू आ जाता है उसका नेक्स्ट है स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट आर कॉल्ड पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं ट्रांजिशंस ऑप्शन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटा बेस न्यून में से डाटाबेस का प्रकार नहीं रहता है कौन सा नहीं रहता है ट्रांजिशन हिस्टिकल रिलेशनल और नेटवर्क जो है डाटा बेस के टाइप हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेजेज ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम निम्न में से डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डी बी एम एस का जो है और लाभ क्या है डिसएडवांटेज जो रहती है डी बी एम एस की वो रहती है इसकी कंप्लेक्सिसिटी। ऑप्शन बी विच ऑफ़ द फॉलोइंग आइटम्स इज रिलेटेड टू डी बी एम एस न्यून में से कौन सी आइटम जो है डी बी एम एस से संबंधित है ये सभी जो है डी बी एम एस से संबंधित है ऑल ऑफ दीज यानी कि फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन डी बी एम एस डाटा इज स्टोर्ड इन विच मैनर डीबीएमएस में डाटा किस रीति में स्टोर होता है डाटा इज स्टोर इन सेंट्रलाइज मैनर यानी कि ऑप्शन सी डाटा कैन बी इम्पोर्ट इन टू एक्सेस डाटाबेस फ्रॉम एक्सेस डाटाबेस में डाटा इम्पोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम एक्सेल फाइल्स यानी कि ऑप्शन बी इन एक्सेस दिस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ओ कैलकुलेशन इन अ क्वेरी एक्सेस में यह किसी प्रश्न में गणना के परिणाम को प्रदर्शित करता है कौन करता है कैलकुलेटेड फील्ड ऑप्शन बी इनो एमएस एक्सेस डाटाबेस विच कॉम्पोनेंट इज नॉट प्रेजेंट प्रजेंट एमएसएक्सएस डाटाबेस में कौन सा घटक उपस्थित नहीं होता है सही सहीस रहेगा ऑप्शन डी फॉर्मूला बार जो है प्रेजेंट नहीं रहता है टेबल्स फॉर्म्स और क्वेरीज कॉम्पोनेंट प्रेजेंट रहते हैं एमएस एक्सेस डाटाबेस में विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर पिक्चर इन एमएसएक्सएस एक्सेस में पिक्चर स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सा डाटा टाइप प्रयोग किया जाता है कौन सा किया जाता है ऑप्शन बी ओ एल ई ऑब्जेक्ट इसकी फुल रहती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम बैंडिंग विच प्रॉपर्टी इज सपोर्टेड बाय ऑल डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एमएसएक्सएस एक्सेस में उपलब्ध सभी डाटा टाइप द्वारा किस विशेषता का समर्थन किया जाता है सही संयंश रहेगा ऑप्शन सी कैप्शन इन हाउ मेनी व्यूज यू कैन क्रिएट ऑ टेबल इन एम एस एक्सेस एम एस एक्सेस में आप कितने व्यू से टेबल का निर्माण कर सकते हैं सही संयंश रहेगा दो कौन कौन से डाटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स विद अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर कंप्यूटरों का संचार प्रणाली से जोड़ना क्या कहलाता है नेटवर्किंग ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड कंप्यूटराइज डाटा का एक लोकेशन से दूसरे पर संचरण कहलाता है ऑप्शन डी डाटा कम्युनिकेशन द ग्राउंड स्टेशन इज इन वी सेट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड वी सेट संचार में ग्राउंड स्टेशन क्या कहलाता है मल्टीप्लेक्सर वी सेट की फुल फॉर्म रहती है वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल द लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल्स डाउन द फाइबर इज कॉल्ड जैसे ही प्रकाश फाइबर के नीचे की ओर जाता है सिग्नल पावर में हानि कहलाती है क्या कहलाती है अटेनुएशन ऑप्शन बी यानी कि क्षीणन ब्लूटूथ कम्स अंडर विच एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ किस एरिया नेटवर्क के अधीन आता है ब्लूटूथ आता है पेन के अंडर पेन की फुल फॉर्म रहती है पर्सनल एरिया नेटवर्क वीपीएन रेफर्स टू वीपीएन से अभिप्राय है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऑप्शन ए आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद